Good morning, all of you. कैसे आप लोग? देखिए, आज सुबह के टाइम हम लोग योग भी करेंगे और थोड़ी बहुत स्टडी भी होती रहेगी. ओके, एक साथ दोनों काम, क्योंकि यदि आपको आगे बढ़ना है, बीमारियों से लड़ना है, अपने शरीर को सुरक्षित करना है, तो इन सब के लिए सबसे मुख्य जरूरी है वो है योग. योग से आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग रहता है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. इससे क्या होता है कि बॉडी में इसमें काफी फायदे होते हैं. सबसे मेन फायदा क्या होता है, जो आपके फेफड़े होते हैं ये काफी स्ट्रांग रहते हैं. और आपको पता ही है कि जो इंसान में जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, इनका मेन जो वर्क होता है क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. और फेफड़ों में या जो लंग्स है, इसकी जो मेन यूनिट होती है वो होती है एल्वियोलाई. ओके, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ. हम लोग जो हथेलियाँ होती हैं, इनमें कुछ पंच पॉइंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि यदि इनको आप बार बार रब करते हैं, दबाते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी. इससे जो पैर होता है, पैर में भी क्या होता है, कुछ पॉइंट होते हैं, पैर के पॉइंट को आप लोग दबाइए तो काफ़ी बीमारियाँ सही हो जाती हैं. और पाचन का भी अब समझते हैं, जो मुख में जो डाइजेशन होता है, इसका कहते हैं फूड सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ होता है, वो आपके स्टोमक में होता है. और इसके बाद जो फूड आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, और लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का. ओके, अब देखिए योग कीजिए. ओम का उच्चारण, ओम के उच्चारण से क्या होता है कि आप वाइब्रेशन होता है, और जब वाइब्रेशन होगा तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपके बॉडी में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं. श्वास को रोकिए. श्वास के रोकने से क्या होगा, एक मिनट तक, यदि आप एक मिनट तक या 50 सेकंड तक श्वास को रोक सकते हैं, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो लंग्स से संबंधित वायरस है, वायरस का इफेक्ट बॉडी में बिल्कुल नहीं हो रहा है. स्टार्ट करते हैं. तो और भी योग है इसके अलावा. और इसके पहले मैंने एक जो मेरा टीजीटी पॉइंट था, उस टीजीटी पॉइंट में मैंने काफ़ी लार्वा के बारे में डिस्कस किया. लार्वा होता क्या है, मैंने बोला कि हम योग भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, और आगे बढ़ने के लिए मैंने पहले ही बोला कि आपकी बॉडी का स्वस्थ होना जरूरी है. तो आज की वीडियो का स्पेशल 2-in-1 है, योग एंड स्टडी. तो लार्वा जो मैंने बताए थे स्टार्टिंग में, एक मैंने बोला था कि ट्रोकोफोर लार्वा, तो ट्रोकोफोर लार्वा किसका होता है, नेरिस का होता है. इसके अलावा टॉर्नेरिया, टॉर्नेरिया किसका होता है, ये होता है बेलेनोग्लॉसस. अब देखिए रब करते हैं, ये रब करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा.
ओके, ताली बजाइए। जितना आप खुश रहेंगे उतने ही बॉडी का क्या होता है, ब्लड बढ़ता है, और जितना दुखी रहेंगे उतना ही क्या होगा, बॉडी में सैडनेस आएगी। हमेशा खुश रह जाइए, हंसिए। जितना आप हंसेंगे उससे क्या होगा, बॉडी में क्या ब्लड बढ़ेगा, तो हमेशा हंसते रहिए। एक बार फिर वो हमको उच्चारण कीजिए, ओ ओके। अब कुछ बीमारियों के बारे में भी स्टडी कर लिया जाए, क्योंकि टू इन वन काम है, स्टडी एंड योग। और आपने एक नाम सुना होगा, मलेरिया डिसीज। मलेरिया का जो वेक्टर क्या होता है, ये होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और इसका पैरासाइट क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम एज अ पैरासाइट एंड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इट इज द वेक्टर। वेक्टर मीन्स इट हैव द ट्रांसमिटेड ऑफ डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। एक में बैठेगा तो उसके बाद दूसरे में बैठ जाएगा। ओके, इसके अलावा एक टॉपिक रिवाइज मैंने कर दिया था, पायरिया हो जाता। तो पायरिया का जो रीजन क्या होता है, ये होता है एंटमीवा जिंजिवेलिस। एंटमीवा की अलग अलग वैरायटी होती है, एंटमीवा जिंजिवेलिस, एंटमीवा कोलाई। ओके, सो ये डिफरेंट वैरायटी होती है आपकी, किसकी, एंटमीवा की। ज़्यादा ज़्यादा पानी पीजिए, हाँ, और सुबह के टाइम क्या होता है, थोड़ा पानी को गर्म कर लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं पीना आपको, हल्का गुनगुना पानी, और हो सके उसमें एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए, तो ये पानी आपके बॉडी के लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। लहसुन का यूज़ कीजिए, लहसुन हल्का गुनगुना पानी, वो एक या दो लहसुन। कि हमारा काम क्या है, अपनी बॉडी की इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। यदि आपकी बॉडी की इम्यून पावर स्ट्रांग होगी तो आप हर कंडीशन में बीमारियों से क्या लड़ सकते हैं। योग योग कीजिए, योग, और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करते जाइए। ओके, इसके अलावा लहसुन, और लहसुन के लिए आप हनी शहद में मिक्स करके खाते हैं सुबह के टाइम, तो वो भी फायदेमंद होता। अंकुरित चने खाइए। ओके ओके, योग फाइलम मैंने बताए थे, फाइलम प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में मोस्टली क्या आते हैं, स्पंज आते हैं, और पॉरीफेरा में आता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम कितने टाइप का होता है, एस्कॉन होता, साइकॉन है, रेगॉन। इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। नाइडेरिया, नाइडेरिया प्रेजेंट नीडोब्लास्ट सेल, नाम ही नाइडेरिया नीडोब्लास्ट सेल। ओके, फिजियोलॉजी हम देखते हैं, फिजियोलॉजी में क्या होता है, बॉडी के जो सिस्टम आते हैं वो सब फिजियोलॉजी में आते हैं। चाहे हम एनिमल्स की स्टडी करें, प्लांट की, यदि एनिमल की हम स्टडी करें तो एनिमल की डिफरेंट सिस्टम आ जाते हैं। डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और रिप्रोडक्टिव, तो दीज आर डिफरेंट सिस्टम इंक्लूड एज द फिजियोलॉजी। एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, ये तो सांस को अंदर ले जाना और बाहर छोड़ना, ये प्रोसेस आप लोग करते रहिए। तो इससे अपने सांस को अंदर पहुंचाया
इसके से धीरे धीरे छोड़िए, फिर जहाँ से आपने गैस को छोड़ा है फिर यहाँ से लिए धीरे धीरे, तो इससे बॉडी की इम्यून पावर स्ट्रांग रहेगी। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।